हाय गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। तो फिर बात करते हैं सलमान खान के बारे में और वहीं पे बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत पहले ही ये बात बोल दिया था कि सलमान खान माफी नहीं मांगे, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि उन्हीं के गैंग के रहने वाले रोहित गोत्रा करके एक शख्स रहते जो राजस्थान के रहने वाले थे और वहीं पे वो अपनी गैंग चलाते थे। हालांकि इस अटैक के पीछे उनका नाम देखने को मिल रहा है, रोहित गोत्रा करके कोई शख्स है। हालांकि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बेहद ज्यादा वायरल भी देखने को मिल रही है और वहीं पे देखने को मिलता है अरबाज खान एक पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और उसमें बताते हैं कि आप हमारे करीब ही रहिए। कई सारे ऐसे जानकारी देने की कोशिश की है जो उनके परिवार हैं इस चीज को देखते हुए बेहद ज्यादा डरे हुए हैं, मैसेजेस दिए हुए हैं जिसे आप रीड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में और वंदे भारत ट्रेन को डीजल वाले इंजन खींचते हुए नजर आते हैं। छोटी सी क्लिप है ना, इसे आप देख सकते हैं जो कि बेहद ही ज्यादा वायरल रहता है। कई सारे लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और कई सारे ऐसे मैसेजेस छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में जिसे आप रीड कर सकते हो। कई ने ये कहा मोदी सरकार पे और कांग्रेस सरकार पे कई सारे लोगों ने निशाना भी साधने की कोशिश की। हालांकि यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके जेरसन राइडर के बारे में और यूके जेरसन राइडर काफी समय पहले मुनव्वर फारूकी को चैलेंज करते हैं कि वो बॉक्सिंग के लिए फाइट लड़ना चाहेंगे। यूके जेरसन राइडर फाइटिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने बिल्कुल भी मैसेज देते हुए वीडियोस बताया है कि मैं ऐसे तरीके से तोड़ूंगा फोड़ूंगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा है। छोटी सी क्लिप है ना, इसे आप देख सकते हैं। क्या आपको पता है भारत की हिस्ट्री में पहली बार ये प्रोफेशनल बॉक्सर और एक रियल इन्फ्लुएंसर की फाइट होने जा रही है। एक बार चैलेंज देख सकते हो क्या? ऐसा तोड़ूंगा ना, देखो ऐसा तोड़ूंगा रिंग में, ऐसा तोड़ूंगा कि तेरे को ना नानी की याद आ जाएगी। देख लो भाई, तैयारी भी मैं करवा रहा हूं। लड़ने के लिए तैयार, मैं यूके को ट्रेन कर रहा हूँ। है किसी में दम? है क्या किसी में दम? वन वर्सेस वन करके हम नहीं है किसी से कम, सबको मिला देंगे पानी में, हमें सुतली बात। तो अब बस मुनव्वर फारूकी के ऊपर डिपेंड है कि वो कब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। यूके जेरसन राइडर हमेशा से रेडी रहे हैं वो फाइट करने के लिए। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगले अपडेट के बारे में। तो वही मैं बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए कई सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में और शाहरुख खान जो कि देखने को मिले थे स्टेडियम में, जो कि उनकी जो मैच चल रही थी केकेआर, तो उस वक्त वो वहां पे शामिल ही थे। लेकिन होता क्या है, जब मैच खत्म होता है तो उसके बाद उनके फैंस जो है कि उनको आवाज देने लग जाते हैं, जबकि शाहरुख खान वहां पे जो उनकी फ्लैग रहती है केकेआर की फ्लैग वो उठाने लग जाते हैं। तो छोटी सी क्लिप है ना, इसे आप देख सकते हैं। केकेआर की फ्लैग देखने को मिल रही थी। तो इस बारे में आप सभी यार क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में और वो वायरल वीडियो मैरिन ड्राइव से निकल के सामने आता है। हालांकि एक लड़का बिल्कुल भी प्रैंक शूट कर रहा था लेकिन सामने में कोई लड़की आ रही थी, उसे प्रपोज करता है। हालांकि उस लड़की को अच्छा नहीं लगता और वहीं पे देखने को मिल जाता है छोटी सी क्लैश। छोटी सी क्लिप है ना, इसे आप देख सकते हैं। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बेंगलुरु के एक महिला के बारे में। हालांकि वो एक एक्टिवा स्कूटी चलाया करती थी लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा चालान कट जाता है, लगभग 1,36,000 रुपए के आसपास में। बताया जा रहा है कि इस पर 3,06,000 रुपए के आसपास फाइन लगाया गया था, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो बड़ा ही शॉकिंग रहता है। हालांकि ये महिला अक्सर से उस रोड से गुजरा करती थी
और 370 मरतबा वो रास्ते से गुजर चुकी थी। हालांकि इस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है कैमरा। जब पुलिस को ये चीजें पता चलती है कि ये महिला बिना हेलमेट के और फोन पे बातें करते हुए और हमेशा से ट्रैफिक रूल के उल्लंघन करते रहती है ना, इसके लिए इनके ऊपर इतना बड़ा फाइन देखने को मिला है। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिंगापुर के एक ब्लॉकिंग न्यूज के बारे में। वहाँ पे कई सारे मजदूर यानी कि एक रिफाइनरी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उनमें देखने को मिले थे कुछ भारतीय भी। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के लीक होने के कारण वहाँ पे कई सारे मजदूरों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिला था। एक टेक्नीशियन के कारण उसमें कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उनमें से कुछ भारतीय रहते हैं। और जिस टेक्नीशियन ने लोगों को काम पे भेजा था वो टेक्नीशियन उस वक्त गुनाह कबूल नहीं किया था। हालांकि इस पे केस चल रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद इस पे रियलिटी सामने नजर आती है और उसने ये कबूल किया कि उनकी गलती के कारण लोगों के जान के ऊपर आ गया था। इसे जेल की सजा सुना दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उड़ीसा बस हादसे के बारे में। हालांकि ये चीजें सोमवार के दिन घटना घटती है और इसमें लगभग 50 लोग बैठे हुए होते हैं और ये उड़ीसा से पश्चिम बंगाल और दीघा जाने वाली बस थी। हालांकि वो पश्चिम बंगाल ही जा रही, रास्ते में एक पुल आती है और पुल के पास बस फिसलने के कारण खाई साइड में गिर जाती है और उसमें लगभग 5 लोगों की डेथ हो जाती है और वहीं पे 38 लोग को बताया जा रहा है कि इस वक्त बेहद ही ज्यादा घायल रूप में देखने को मिले हैं। लेकिन ये घटना उड़ीसा के जाजपुर जिले में बारावती के पास ये घटनाएं घटी थी। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैदान मूवी के बारे में। हालांकि इस फिल्म में अजय देवगन ने काम किए हैं, लेकिन इस फिल्म को 100 करोड़ रुपए के आसपास में खर्च किए गए हैं। यह फिल्म उतनी कोई खास परफॉर्मेंस करते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए सुपर फ्लॉप भी देखा जा सकता है अगर यह फिल्म अगर अच्छी नहीं चली। फिल्म ने अब तक 32 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर चुकी। देखा जाए तो एक तरफ से अभी उस फिल्म ने कोई खास कमाई नहीं की है। तो इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रवि किशन के बारे में। और रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि होता क्या है ना कि एक महिला और उनकी बेटी जो कि उनके ऊपर एक आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि वो उनकी बेटी है और यहाँ तक कि जो महिला रहती है वो बोलते हैं वो हमारे हस्बैंड है। हालांकि वो महिला बताते हैं कि हम उनके ऊपर केस करेंगे या तो FIR करेंगे, ये बोलते हुए नजर आते हैं कि वो हमें स्वीकार नहीं कर रहे, हम उनके वाइफ हैं और ये उनकी बेटी है। हालांकि उनकी बेटी का एक इंटरव्यू आउट होता है, वो क्या कहते हैं ना सुन सकते हैं। मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज माय फादर और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे अफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से नहीं बताया मुझे दैट इज माय फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडे पे भी आते थे, मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वांट टू गेट टू नो यू, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एज अ सब एज अ फादर, ही वाज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीजें कि प्लीज लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर या कुछ, तो मतलब आप उनके उसके बात भी नहीं कर रहे हो, आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, दो साल गायब हो जाते हो, अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी को, मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आज आप रिस्पॉन्सिबल कर रही है, इस रिस्पॉन्सिबल का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपना है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉक्टर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो अफकोर्स वो हकदार है उसकी, बस मेरी यही मांगे और कुछ नहीं। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं इको लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट, आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाए हैं और मंगलसूत्र भी बनाए, और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी, उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। हम लोग की हुई थी 96 में। ये चीजें पता चलता है कि रवि किशन उनको घर में एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो उनकी वाइफ है, 90 के दशक में उन्होंने शादी की थी, कुछ चीजें रिवील किए हैं, कुछ चीजें रिवील अभी नहीं हुई है। हालांकि रवि किशन की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है आगे चल के इनपे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो यार इस बारे में आप सभी क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। देखिए कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि चैनल इस वक्त हमारा नया है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।